रुकते हैं प्रदेश की ओर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35 ए हटाए जाने और जम्मू कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह जी को बधाई देते हुए कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र का स्वर्णिम दिन है। कांग्रेस द्वारा की गई इस ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से किए वायदे को न केवल पूरा किया बल्कि अखंड भारत के निर्माण की नींव भी रख दी है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35 ए हटाए जाने और जम्मू कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देते हुए कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र का स्वर्णिम दिन है। कांग्रेस द्वारा की गई एक ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के लिए वायदे को न केवल पूरा किया बल्कि अखंड भारत के निर्माण की नींव रख दी है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की वर्तमान सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को व्यर्थ न जाने देते हुए देश की जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का काम किया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कदमों पर चलते हुए गृह मंत्री ने कश्मीर से धारा 370 खत्म करके देश की जनता की आकांक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरे हैं। कांग्रेस ने 70 वर्ष पहले जो ऐतिहासिक गलती की थी इस निर्णय के द्वारा उस गलती को सुधारा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा इस निर्णय का विरोध करके स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस अलगाववादी ताकतों के साथ खड़ी है और उन्हें देश की एकता और अखंडता से कुछ लेना देना नहीं है। उनके लिए सत्ता सर्वोपरि है और एक परिवार की खुशी के लिए वे देश को दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए कहा कि चिर प्रतीक्षित मांग के पूरे होने से निश्चित रूप से देशभर के साथ साथ प्रदेश में खुशी का माहौल है। केंद्र सरकार के इस निर्णय को उत्सव के रूप में मनाने की आवश्यकता है, परंतु कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे उत्साह के साथ साथ संयम भी बरतें। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो उनको। उन्होंने एक लंबे समय से चला हुआ सपना जो इस देश के राष्ट्रवादी लोगों का है उसको साकार किया है। उसके ऊपर उन्होंने सकारात्मक जो निर्णय लिया है उसके लिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बधाई के पात्र हैं। धारा 370 और 35 ये हटनी चाहिए जिस देश के सब नागरिकों की इच्छा थी, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल से हो। भले ही राजनीतिक दलों की सीमाओं के कारण वो ओपनली नहीं बोल पाते थे, लेकिन जब व्यक्तिगत बातचीत होती थी तो कांग्रेस से लेकर के सब राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता इस देश को एक रखना चाहते हैं, इस देश को एक धागे में बांधना चाहते हैं। उसके नाते जो हम लोगों ने सफर शुरू किया था 1951 में जनसंघ ने हमारे विचारधारा को लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी धारा 370 और 35 के विरोध में आंदोलन किया था और परमिट सिस्टम के विरोध में आंदोलन किया था जिसमें उनकी शहादत हुई थी। आज उनकी शहादत का जो फल निकला है कि मोदी जी ने उनके सपनों को साकार किया है और इस देश के अंदर अटल जी अडवाणी जी लंबे समय तक इसके विरोध में जद्दोजहद करते रहे। हमारे तमाम कार्यकर्ता धारा 370 हटानी चाहिए इसका आंदोलन करते रहे। आज वो हटी है तो इस देश के अंदर आतंकवाद के ऊपर एक नया प्रहार हुआ है। जो ताकतें आज भी धारा 370 हटाने का विरोध कर रही हैं, कांग्रेस या उनके अन्य सहयोगी दल या कुछ क्षेत्रीय दल, वो राष्ट्र की भावना को नहीं समझ पाते हैं। उसी कारण से कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है, जो चुनावों में हुई है, कांग्रेस को अब राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर आना चाहिए, तब कांग्रेस दोबारा सर्वाइव होगी, अन्यथा कांग्रेस बिल्कुल क्षेत्रीय दल बन करके रह जाएगी। इस देश के अंदर एक स्टेट से 5 लाख लोगों को निकाल दिया जाए, इससे बड़ा गलत क्या हो सकता था। जम्मू कश्मीर से अनेकों वर्ष पहले, 2 दशक पहले 5 लाख लोगों को अपने घर बार बिजनेस व्यवसाय शिक्षा सब कुछ छोड़ करके बाहर आना पड़ा, तब कांग्रेस के लोगों ने ये हल्ला नहीं मचाया। आज तक ये बोले नहीं उनका क्या करना है, क्योंकि वो बहुसंख्यक वर्ग से लोग हैं। इस देश के अंदर मोदी जी ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई अल्पसंख्यक है ना कोई बहुसंख्यक है, सबके लिए एक पॉलिसी बनेगी, सबके ऊपर लागू होगी। लंबे समय से हम लोग यही बोलते आए हैं कि हम सब लोग देश को डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा दिए हुए संविधान के अंतर्गत चलाना चाहते हैं। व्यक्तिगत निर्णयों से या किसी धर्म के आधार पर ये देश नहीं चलेगा।
उसी कारण कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने जो हमारा 3 तलाक का विषय था उसके ऊपर भी प्रहार किया। ऐसे अनेकों निर्णय इस देश के अंदर अब जनता ने पूरा सहयोग मोदी जी को दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अमित शाह जी और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का अन्य शीर्ष नेतृत्व जो इस देश के अंदर कलंक के रूप में काम हुए थे उनको पूरी तरह साफ करेंगे और 5 सालों के अंदर एक धागे में प्रो करके इस देश को खड़ा करेंगे। सर भाई यदि बात की जाए, राम मंदिर का मुद्दा भी लंबे समय से चर्चित है और क्या माना जाए कि बहुत जल्द इस पर भी कोई जो है फैसला आ सकता है? राम मंदिर इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं का मुद्दा है। कई बार उस मुद्दे को उलझा दिया जाता है मस्जिद और मंदिर में। मस्जिद से किसी को विरोध नहीं है, लेकिन मस्जिद एक आक्रमणकारी के नाम से बने, जिस बाबर ने इस देश के अंदर आक्रमण किया था, इस देश की जनता को लूटा, इस देश की बहु बेटियों की इज्जत के ऊपर हाथ डाला, उस बाबर के नाम की मस्जिद इस देश में नहीं चलेगी, हमारा ये कहना है। और दूसरी तरफ भगवान प्रभु का वो जन्म स्थान है जहाँ पर हम लोग राम मंदिर की बात करते हैं। अनेकों मस्जिदें इस देश के अंदर है, बने, आगे भी बनती रहेंगी, सबकी बनेगी, मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद गिरजाघर बनते हैं, बनते रहेंगे। लेकिन कोई ये कहे कि जिसने इस देश के ऊपर आक्रमण किया, इस देश को लूटा, विदेशी लुटेरे के नाम पर इस देश के अंदर मस्जिदें चलेंगी, तो उसका विरोध है, मस्जिद का विरोध नहीं है। मस्जिद एक धार्मिक स्थान है, हम लोग भी जाते हैं, अजमेर शरीफ में हम लोग भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उसको मंदिर और मस्जिद का विषय बना दिया। वो प्रभु एक तरफ इस देश के अरबों लोगों के मानने वाले प्रभु का वो धार्मिक स्थान है, दूसरी तरफ जिसने विदेश से आकर के इस देश के ऊपर आक्रमण किया, इस देश को लूटा, उसका स्थान है। तो उसके बीच वो लड़ाई है और एक दिन आएगा जब सब लोग इस मुद्दे को भी समझेंगे और ये मुद्दा भी हल होगा।